नमस्कार, इंडिया फर्स्ट न्यूज में आपका स्वागत है। झूठ पर कितना भी पर्दा डालो, लेकिन सच आखिर जुबान पर आ ही जाता है। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाली भाषा बोलने वाले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने आखिर स्वीकार कर ही लिया कि मुंबई में 26/11 के हमले में पाकिस्तान का हाथ था। लाख सबूत दिए गए, हजार मरतबा यकीन दिलाने की कोशिश की गई और पूरी दुनिया ने भी माना कि मुंबई में 26/11 को हुए हमलों में पाकिस्तान का हाथ था, लेकिन पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के हुक्मरान इस बात से इनकार ही करते रहे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी भारत के खिलाफ कम जहर नहीं उगला है, लेकिन अब नवाज शरीफ ने खुद स्वीकार किया है कि 26/11 के हमले में पाकिस्तान का हाथ था। नवाज शरीफ की साफगोई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत के खिलाफ साजिश रचने में वहां की सेना और सरकार का हाथ रहा है। नवाज शरीफ ने तो एक तरह से शराफत दिखा दी, लेकिन पाकिस्तान के चेहरे को बेनकाब कर दिया है। जाहिर है शरीफ की शराफत ने पाक के कर्ता धर्ताओं के कान भी खड़े जरूर कर दिए होंगे।